हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज मैं नॉन खटाई बनाने जा रही हूँ। तो नॉन खटाई खाने में तो टेस्टी लगती ही है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और एक कटोरी मैदा में से मैं 2 बड़े चम्मच मैदा निकाल लूँगी। और मैंने ये 2 चम्मच मैदा निकाल ली है। तो इन मैदा मैंने जो 2 चम्मच मैदा निकाली है उनकी जगह मैंने 1 चम्मच बेसन मैं डाल रही हूँ, यानी कि मिलाऊंगी एक कटोरी मैदा में, और 1 चम्मच सूजी। इससे नॉन खटाई का जो स्वाद है वो अच्छा आता है। और ये छोटी चम्मच है, इससे 1/2 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। ये नॉन खटाई को फुलाने का काम करता है। आप चाहे इसकी जगह बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तो 1 कटोरी मैदा में मैं 1/2 कटोरी शुगर पाउडर ले रही हूँ और 1/2 कटोरी में घी ले रही हूँ। तो मैंने घी और मक्खन मिक्स किया है। आप चाहे इसकी जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। और घी मेरा रूम टेम्परेचर है, इसको गर्म नहीं करना है। इसी तरह से, मतलब इसी कंडीशन पे शुगर में मिक्स करना है, शुगर पाउडर में मिक्स करना है। तो घी और शुगर पाउडर को मैं मिक्स कर रही हूँ चम्मच की मदद से। इसमें जो गांठे हैं या फिर कुछ लंप वगैरह हैं उनको सबको चम्मच की मदद से मैश करके अच्छे से मिक्स करना है। और तब तक मिला लेना है जब तक कि ये एक सॉफ्ट बैटर ना बन जाए। तो इस तरह से सॉफ्ट बैटर बन चुका है। इस तरह से बनाना है ये घी, मक्खन और शुगर पाउडर। अब मैं इसमें जो मेरी 1 कटोरी मैदा थी वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। चम्मच की मदद से मैं इन सब चीज़ों को मिला लूँगी। और एक डो तैयार कर लूँ। अगर हमारा डो टाइट हो रहा है तो हमें इसमें ओनली घी ही मिलाना है, ना कि दूसरी चीज़ें। यानी कि जो भी आपने लिया है, रिफाइंड लिया है तो रिफाइंड मिलाना है, घी लिया है तो घी मिलाना है। इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं मिक्स करनी है, जैसे कि दूध और पानी, नहीं तो उससे जो है हमारी नॉन खटाई बेकार नहीं, अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से हमें इस डो को मलना है और मल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े बना लूँगी इस डो के। और ये नॉन खटाई मैं OTG में बना रही हूँ। मेरे पास सिंपल OTG है, इसमें ओनली 2 ही बटन है। ये टाइमर है और ये ऊपर वाला फिक्स टेम्परेचर है। तो मैं OTG को फ्री हीट पे रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। तो मैंने दोनों रोड ऑन कर दी हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो अब मैंने एक ट्रे ली है, ट्रे में मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगाया है, यानी कि नीचे बिछा दिया है, और उसके ऊपर मैं छोटी छोटी गोलियां रख रही हूँ। और हमें गोलियों को थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना है। और इनके ऊपर मैं काजू के थोड़े थोड़े टुकड़े रख रही हूँ। तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, OTG फ्रीट हो चुका है, यानी कि गर्म हो चुका है। तो अब हम नॉन खटाई बनाने जा रहे हैं। तो मैंने जो गोली बना के रखी है मैदा की, मतलब सब चीज़ों की, तो अब मैं 10 मिनट का टाइम भर रही हूँ और दोनों रोड ही मैं ऑन कर रही हूँ। मैंने दोनों रोड इसलिए ऑन किए हैं जिससे ऊपर और नीचे का टेम्परेचर बराबर रहे और दोनों साइडों में से नॉन खटाई अच्छे से सिक जाए। तो नॉन खटाई फूल रही है, ये मैं चलते हुए OTG में दिखा रही हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं, OTG बंद हो चुका है। तो मैं OTG को खोल के दिखा रही हूँ। तो थोड़ा ऊपर से नॉन खटाई में कलर नहीं दिख रहा है, तो मैं 2 मिनट के लिए इनको फिर से ऊपर वाली रोड ऑन करूँगी, यानी कि ऊपर वाली रोड पे ही मैं
पकाऊंगी नीचे वाले रोड में ऑफ कर दूं। 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के लिए अब हम नॉन खटाई हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो मैं नॉन खटाई को बाहर निकाल रही हूँ। इस तरह से नॉन खटाई हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है, ये काफ़ी ही अच्छी दिखाई दे रही है और इन पे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है और इनको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना है ऐसे ही, जिससे कि हमारी ये टूटे ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो 10 मिनट के बाद ही हमें इनको ट्रे में से निकालना है। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब ये देखो नीचे से इस तरह का कलर आया है और ऊपर से इस तरह का, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और तो जब हम इसको खाते हैं तो ये मुंह में घुल जाती है, ये इनको चबाने में मतलब बहुत ही ये सॉफ्ट होती है, इनको चबाना नहीं पड़ता है। तो ये फर्स्ट हमारी नॉन खटाई है बनाई है और ये मैंने दोबारा बनाई है, ये पहली है और ये दूसरी टाइम की दूसरी बार बनाई है, दूसरी बनाई तो इनमें भी काफ़ी दरारे और काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। तो ओटीजी में बहुत ही अच्छी नॉन खटाई बनती है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।